गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कुछ सेंटेंस पढ़े थे, थ्री सेंटेंस। अब अपन लेते हैं नंबर फोर सेंटेंस। सबसे पहले अपने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस, देन पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस, देन पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आज अपन पढ़ेंगे नंबर फोर सेंटेंस, ठीक है। तो फोर सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये ऐसा सेंटेंस है जैसे अपन अचानक किसी बात से सरप्राइज होते हैं, वंडर होते हैं, या कोई दुख भरी घटना को सुन लेते हैं, या किसी खुशखबरी को सुन लेते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस इस सेंटेंस में रखे जाएंगे। तो लेट्स रीड अबाउट। पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय। किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मतलब बहुत प्रबल जो अपनी फीलिंग्स होती है, और जॉय खुशी की, सौरव दुख की, और वंडर आश्चर्य की, ये तीनों चीजें कुछ ऐसा इसमें आएगा। और कौन से? जॉय किसी भी खुशखबरी के बारे में, सौरव किसी भी दुख के बारे में, वंडर किसी के आश्चर्य के बारे में। ये सेंटेंस अपन को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा, है ना। कहने का मतलब है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब बताना, शो करना। सम सडन अचानक स्ट्रॉन्ग प्रबल फीलिंग्स भावनाएं और जॉय खुशी की, सौ दुख की, और वर्णन आश्चर्य। इस प्रकार की कुछ भावनाओं को ये शो करेगा, अचानक होने वाली, जो अपन को पता पहले से नहीं रहती है। तो इसकी अपन आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, इसकी आईडी क्या होगी, अपन इसको कैसे पहचान पाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग किससे होगी? व्हाट या हाउ। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? व्हाट या हाउ। और अब दूसरा ओ अल्लाज और हुर्रे से, और एंडिंग में आएगा एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ये है इस सेंटेंस की आईडी, ये है एक्सक्लेमेटरी सिंबल। स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की व्हाट या हाउ से, और एंड और स्टार्टिंग हो सकती है ओ अल्लाज हुर्रे, और एंडिंग किस पे होगी? एक्सक्लेमेटरी सिंबल से। तो इसमें भी एक नोट है, पुट अ मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अपन को सेंटेंस के अंत में अपन को क्या लगाना है? एक्सक्लेमेटरी सिंबल। इस प्रकार अपन ने सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग किया था, और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया था, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन ने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया था। वैसे के वैसे इस सेंटेंस के एंड में अपन क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द विंडो इज। तो स्टार्टिंग देखो हाउ, और एंडिंग किस पे हो रहा है? एक्सक्लेमेटरी सिंबल से। तो हाउ ब्यूटीफुल द विंडो इज, ये खिड़की कितनी सुंदर है, ये मन को ये बता रहा है। शॉकिंग न्यूज है ये, सरप्राइजिंग, अपन को देखते ही आश्चर्य हो रहा है, यार कितनी अच्छी खिड़की है ये। फिर है व्हाट अ नाइस कार। स्टार्टिंग देखो व्हाट से शुरू हो रहा है, और एंडिंग किस पे हो रहा है? एक्सक्लेमेटरी सिंबल पे। व्हाट अ नाइस कार, कितनी अच्छी कार है, ये भी सरप्राइजिंग हो गया। फिर ओ आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, देखो ओ पे स्टार्ट हो रहा है, और एंडिंग किस पे हो रहा है? एक्सक्लेमेटरी सिंबल। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने सबका सब खो दिया है, ये है शॉकिंग न्यूज, दुख भरी घटना। ओके स्टूडेंट राइट दिस। चलो स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 5 इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अपन इससे पहले 4 सेंटेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो नंबर 5 इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव। तो देखो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ विश और अ प्रेयर, ठीक है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करेगा? विश, किसी भी प्रकार की इच्छा, और प्रेयर, प्रेयर मतलब प्रार्थना, है ना। तो उसे इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इसकी भी एक छोटी सी आईडी होती है, स्टार्टिंग विश में एंड एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी सिंबल। थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपन ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एंड ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया था, और इसमें भी लगाया, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज इसकी स्टार्टिंग होती है मे से, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती थी ओ अल्लाह या व्हाट या हाउ से, लेकिन इसकी किससे हो रही है? मे से, और एंडिंग किससे हो रही है? एक्सक्लेमेटरी मार्क से। दिस इज द डिफरेंस, इसीलिए मैं प्रत्येक सेंटेंस में आईडी लिखा रहा हूं, ताकि आपको जो डिफरेंस है वो आप क्या हो रहा है पता।
This way we don't have any exclamation, we can put an exclamation mark at the end of the sentence. You update your sentence, मैं अपन को क्या करना है कि end of the sentence अपन को exclamatory symbol लगाना है. Example, may you live long. Starting किससे हो रही है? May से और ending किससे हो रही है? Exclamatory mark से. तो ये sentence कौन सा हो गया? ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं यू बी रॉन्ग. इसका मतलब होता है आपकी उम्र क्या हो लंबी होगी हमारी प्रार्थना है यानी हमारी इच्छा है. मे गॉड ब्लेस यू भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे. स्टार्टिंग विद में एंडिंग विद एक्सक्लेमेटरी मार्क कौन सा सेंटेंस हो गया? ऑपरेटिव सेंटेंस. नंबर थर्ड मे गॉड लीड यू टू सक्सेस भगवान तुम्हें सफलता की ओर ले जाए. लीड मतलब होता है ले जाना. मे गॉड भगवान लीड ले जाए यू तुम्हें टू सक्सेस इसकी ओर सफलता की ओर. ठीक है तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. तो अपन ने फुल टोटल फाइव सेंटेंस को रीड आउट किया है. फाइव सेंटेंस की डेफिनेशन दी है, फाइव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन दी है, फाइव सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए. अब आपको ये पांचों सेंटेंस की डेफिनेशन विद आईडी लर्न करनी होगी ताकि आपको सेंटेंस में डिफरेंस पता चल जाए. यदि कोई भी सेंटेंस लिखा होता है तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस है. प्रत्येक सेंटेंस को जानने से पहले उसकी आईडी मालूम होनी चाहिए कि उसकी स्टार्टिंग किससे होती है और एंडिंग किससे होती है. किसी भी सेंटेंस को यदि आइडेंटिफाई करना है तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग को लर्न करना पड़ेगा. जैसे किसी भी मनुष्य को अपन पहचानते हैं तो या तो उसके नाम के द्वारा या उसके आर्ट के द्वारा या उसकी मेहनत के द्वारा या उसके चेहरे के द्वारा तो आइडेंटिफिकेशन होती है उस इंसान की. वैसे वैसे सेंटेंस के लिए क्या होती है एक आइडेंटिफिकेशन जो मैं आपको प्रत्येक सेंटेंस में बॉक्स में बना के दे रहा हूँ, बॉक्स में लिख के दे रहा हूँ. तो आपको ये लर्न करनी है. दिस इज द टॉपिक. ये टॉपिक बेसिक फंडामेंटल्स होता है. अब अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एक्सेप्ट टुडे इज इनफ. ओके आप राइट कर रहे हैं.